सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो व्हाट्सअप गाइस, नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MLM कुआत में। दोस्तों आज जो बात करेंगे ओक्टा एपेक्स ट्रेडिंग की, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कैसे करते हो और कैसे आप रियल और डेमो अकाउंट में आप डेमो और रियल अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ करके इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले गूगल पे लिखना है चोरम ओक्टा एफएक्स। आपको यहाँ पे लिखना है चोरम ब्राउज़र में ओक्टा एफएक्स, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे लिखेंगे तो एक इस टाइप का ये पेज आएगा। यहाँ से आपको नीचे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं और आपका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ, और यहाँ पर आपको फर्स्ट जो नाम है वो डालना, लास्ट नाम डालना, ईमेल डालना और पासवर्ड डालना है। दोस्तों ये डालने के बाद में आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि ईमेल वही होना चाहिए जो आपका रियल हो, और अकाउंट ओपन करने के लिए आपका ईमेल चालू होना ज़रूरी है। दूसरी बात दोस्तों, आपका जो ईमेल है ओपन हो, जैसे कि मेल दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने जो नीचे गूगल का जो अकाउंट है वहाँ पर क्लिक किया, और वहाँ पर क्लिक करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसको वेरीफाई करने वाला हूँ और मेरा जो अकाउंट है ये यहाँ पर ओपन होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सब कुछ डालना है, आपका एड्रेस डालना है, जो भी डाल सकते हो सब कुछ डाल सकते हो, और उसके बाद में आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा जो सिस्टम है, एक मिनट, ये सब डालने के बाद में आपको जो आपकी KYC है वो KYC करना अनिवार्य है। जो KYC कैसे करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ये यहाँ पे मैंने इस अकाउंट को, एक मिनट, मैंने लॉगिन किया, ठीक है। लॉगिन करने के बाद में आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो करंट माय अकाउंट। लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप डेमो अकाउंट भी खेल सकते हो और रियल भी खोल सकते हो और डेमो भी खोल सकते हो। तो दोस्तों एक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको डेमो खोलना है तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये ऑप्शन से यहाँ पे दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं करेक्ट अकाउंट, ठीक है। करेक्ट अकाउंट में क्लिक करने के बाद में ये इस तरह का इंटरफेस आपका जो होने वाला है जो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको माइक्रो अकाउंट खोलना है, यानी कि माइक्रो अगर अकाउंट खोलना है तो सबसे बेस्ट है, और इसके बाद में जो दूसरा जो कंपनी का अकाउंट है MetaTrader 5 जो प्रो, ठीक है, और तीसरा जो अकाउंट है C Trade, और उसके बाद में आप चाहे जैसा अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों मैं माइक्रो में करता हूँ, ओके, ठीक है, वन मिनट, सेलेक्ट किया, या फिर आप डेमो भी खेल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको डेमो खोलना है तो इस बात का ध्यान रखें, ये जो थोड़ा सा आप ये जो अकाउंट है आपका माइक्रो, उससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक सिस्टम और है कि रियल, ये रियल है, ये इस जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एक तो रियल है, एक डेमो है, ठीक है। डेमो भी खोल सकते हो और आप रियल भी खोल सकते हो। तो दोस्तों फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं डेमो ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने डेमो ले लिया, और यहाँ पे मैंने ये MetaTrader को सेलेक्ट किया। MetaTrader को सेलेक्ट करने के बाद में ओपन है अकाउंट, ठीक है। मेरे को बैलेंस कितना रखना है वो हिसाब से आप यहाँ पे बैलेंस रख सकते हो। ये यहाँ पे मैसेज आ चुका है कि कंग्रेचुलेशन योर डेमो अकाउंट इज सक्सेसफुल ओपनेड, ठीक है, यानी कि मेरा जो डेमो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। अब आपके जो जीमेल पे जो कंपनी का जो आईडी और पासवर्ड आया है वो, अब उससे आप ट्रेड कहाँ पे कर पाओगे, तो दोस्तों वो भी मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप रियल अकाउंट खोल रहे हो
तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आप डिपॉजिट करने वाले हैं तो मिनिमम $100 की डिपॉजिट करें कम से कम, उसके बाद में आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी ट्रेड का इस बात का ध्यान रखें कि 0.01 पर ही खेले, उससे ऊपर न जाए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो लोग हैं ऐसा बोलते हैं कि हमारा लॉस हो गया, हमारा ये हो गया, हमारा नुकसान हो गया $50 $20। तो दोस्तों वो क्या करते हैं कि $20 डाले, $50 डाले, उससे खेलते हैं, 2-3-4 पे खेलते हैं, 0.1 0.05 उस पर खेलते हैं, तो उसका अकाउंट खाली होना अनिवार्य है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, पेमेंट उतना ही डालें कि कम से कम $100 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों रही बात यहाँ पे, अगर आपने जो मेटा ट्रेड फोर में टर्मिनल में अकाउंट ओपन किया है, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के मेटा फोर डाउनलोड करना है, ठीक है। ये मेटा फोर मैंने ओपन किया, पहले से मेरा डाउनलोड हो अंदर कर रखा है मैंने, और इसको मैंने ये ओपन किया। जैसे आपका डाउनलोड होता है तो आपको ओपन करना है। दूसरी बात इस बात का ध्यान रखें कि अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह आपको सर्च करना है वनट, ये इस जगह कोने में जो ऑप्शंस दिख रहा है ये 3 डॉट, यहाँ पे सर्च करना है मैनेज योर अकाउंट। तो मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट करने के बाद में आप चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप डायरेक्ट भी यहाँ पे डेमो खेल सकते हैं मेटा फोर में, और लॉगिन करके भी जो वहाँ पे आपका डेमो अकाउंट ओपन हुआ है वो भी यहाँ पे खेल सकते हैं। तो लॉगिन टू एन एक्सटेंड अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपको जो डेमो अकाउंट है ओक्टा एफएक्स रियल 3, ठीक है, ओक्टा एफएक्स का जो डेमो अकाउंट है, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ओक्टा एफएक्स, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो ओक्टा एफएक्स का डेमो अकाउंट है वो यहाँ पे शो हो रहा है, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको वहाँ पे जो आपके जीमेल पे आईडी और पासवर्ड मिला है, ठीक है, उससे आपको लॉगिन करना है। इस बात का ध्यान रखिए, आपको ओक्टा एफएक्स डेमो ही सेलेक्ट करना है और वही पासवर्ड और आईडी यहाँ पे डालना है, और जैसे ही लॉगिन करोगे आपका जो ट्रेडिंग है वो ओपन हो जाएगा और आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी बात है, जैसे कि आपने ओक्टा एफएक्स, एक तो इसमें 3-4 तरह के अकाउंट है, ओक्टा एफएक्स रियल, रियल 1, रियल 2, रियल 3। तो जब आप अकाउंट खोलो तो इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पे क्या शो हो रहा है, आप किस में खोल रहे, ओक्टा एफएक्स रियल में खोल रहे हो, ओक्टा एफएक्स रियल 2 में या फिर रियल 3 में, तो इस बात का ध्यान रखें। जैसे कि रियल 2 में, तो रियल 2 का जो आपका पासवर्ड और आईडी मिला होगा उसी से ये लॉगिन होने वाला है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, यहाँ पे लॉगिन होने के बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ट्रेडिंग आपको कैसे करनी है और कैसे आप प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हो। तो दोस्तों नीचे जो डिस्कशन में आपको ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि आप जब डिपॉजिट करेंगे तो डिपॉजिट कैसे करेंगे वो भी बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और डिपॉजिट लाइव आपको करके बताऊँगा उसी वीडियो में, और कम से कम आप उसमें जिस तरह से डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट करने के पहले आप यहाँ पे ओक्टा एफएक्स में आपको KYC करना अनिवार्य है, जहाँ पे आपका रियल एड्रेस और रियल डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। जब KYC अप्रूवल हो जाए तभी आप यहाँ से डिपॉजिट करें, क्योंकि बाद में अगर KYC नहीं होगी तो सामने से विड्रॉल का ऑप्शंस, जब तक KYC कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो विड्रॉल नहीं देने वाला है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल MLM कुआत को। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।